आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहां गुजरात में 9 बार एमपी बना हुआ एक भी व्यक्ति नहीं है। ये 9 बार पार्लियामेंट के मेंबर 18 साल केंद्र में मंत्री रहे, मेघालय प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी सीबीआई, सीएजी कुछ नहीं आया, एक दाग नहीं लगा, एक दाग नहीं लगा। पहली बार जब वो स्पीकर बने थे, मैं संसद की गतिविधि देखने के लिए इसलिए रुचि रखता था, उस समय मैं देखता था, आप लोग भी याद कीजिए, मैं वर्णन करता हूं, उसे अंदाज कीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए सांगमा जी का स्मरण कीजिए और पार्लियामेंट की किसी भी घटना के समय उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, याद कीजिए, एक छोटे निर्दोष बालक की तरह वो मंच पर, इनोसेंट बालक की तरह, यानी सबके मन में उनका ये रूप आज भी स्थिर है मन मंदिर पर, और उसका मूल कारण आदिवासी में जो निर्मलता होती है ना, आप अनुभव करते हैं, वो आदिवासी वाली निर्मलता हिंदुस्तान के संसद के अध्यक्ष पद पर विराजमान थी। और क्यों न देश का आदिवासी ये न चाहे कि कभी राष्ट्रपति भवन में भी हिंदुस्तान के आदिवासी की आवाज सुनाई।